50% लोग जो शोषण करने वाले हैं वो कौन है? अभी भी जो समाज में है कौन कह रहा है? तो 90% की बात हो रही है। कल भी आपने कहा था ये जगदेव बाबू जी का नारा रहा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये तो जगदेव बाबा का नारा है और उनके जयंती के अवसर पे उनके नारे को जो है दोहराया गया। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जा रही है, लोग असल में गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें इनका यही कहने का मतलब है कि सभी लोग को जो है सम्मान दर्जा जो है मिलना चाहिए और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। और यही सवाल उठा था कि भाई वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, यही ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। तो ऐसा कोई किसी के प्रति वो नहीं। अरे भाई जयप्रकाश जी, जेपी जी हम लोगों के नेता नहीं रहे हैं क्या? हम सबके नेता हैं। चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल चौटाला हो, लोहिया जी हो, इन सबको ना हम लोग मानते हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं या बंच ऑफ थॉट्स को जो लोग मानने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों की बात है। अच्छा सर, नीतीश कुमार ने भी आप पर कह दिया है कि जब तो एसपी यादव फैसला लेंगे कैबिनेट विस्तार कब होने वाला है? क्या चीज का कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं कि हो सकता है आप ही फैसला लेंगे? नहीं नहीं, सवाल कहां से आपके पास है? आप लोग विस्तार चाहते हैं क्या? अगर आप लोग विस्तार चाहते हैं तो इसमें हम लोग विचार करेंगे। कुछ जगह तो खाली है ना। चलिए चलिए चलिए। अच्छा सुधाकर सिंह है।